हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, अगर आप भी डेली वेयर के कपड़े पहन पहन कर बोर हो गए हैं तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है उनमें थोड़ा ट्विस्ट ऐड करने के लिए। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट्स पहनने के शौकीन हैं मेरी तरह है, और आप ये सोचते हैं कि टी शर्ट के साथ पहन पहन कर अब मैं बोर हो चुकी हूँ, तो कुछ एथनिक सा ट्राई कीजिए। इसके ऊपर कोई एथनिक टॉप, एम्ब्रॉयडर्ड टॉप या कोई चंदेरी टॉप, पेपलम टॉप ट्राई कर सकते हैं हम, जो बहुत ही स्टाइलिश लगते। एथनिक टॉप्स बहुत ही स्मार्ट लगते हैं शॉर्ट्स के साथ और ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है। इसके बाद आप इनको स्टाइल कर सकते हैं कुछ पॉम पॉम सैंडल्स के साथ, जैसे मैंने किया है, और एक जूट बैग ले लीजिए। बस आप सॉर्टेड हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं या फिर आप अगर आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं तो ये लुक बहुत अच्छा लगता है। और एथनिक टॉप्स आप घर में भी बना सकते हैं DIY करके। अपने कोई भी पुरानी कुर्ती को स्लैश कर लीजिए वेस्ट पर से और बन गया आपका एथनिक टॉप। नेक्स्ट, आप अगर चाहें तो अपनी रेगुलर कुर्ती को आप इस तरह से कुर्ती ड्रेस की तरह पेयर कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए साइड इसके स्लिट्स हैं तो उन पे मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है, बट आप चाहें तो इसको स्विंग मशीन से स्यू भी कर सकते हैं और इससे आप बिल्कुल स्मार्ट लुक आता है। इसके नीचे आप शॉर्ट्स पहनिए तो ऑसम लुक आता है। इस तरह से आप दुपट्टे को कर सकते हैं अपने गले के अराउंड। टैन बेल्ट पहनी है और टैन बूट्स पहने हैं मैंने, पूरे लुक को एकदम पुट टुगेदर दिखाने के लिए। ये इंडो फ्यूजन लुक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। कुर्ती ड्रेस बहुत ज़्यादा फैशन में है। अगर आपके पास कोई कुर्ती ड्रेस नहीं है तो आप इस तरह से DIY कर सकते हैं। अपनी स्लिट्स साइड वाले जो होते हैं चाक, उनको आप स्विंग मशीन से स्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको कुर्ती को एज ए ड्रेस पहन सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत कंफर्टेबल रहेगी ये गर्मियों के लिए। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीका है अपनी वाइट कलर की सॉलिड कुर्ती को, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस लुक में भी दिखाई थी, उसे मैंने रोल्ड अप डेनिम्स के साथ स्टाइल किया है और हील्स पहनी है। उसके साथ मैंने एक पॉप ऑफ कलर ऐड करने के लिए मैंने मैचिंग दुपट्टा लिया है ऑरेंज कलर का, और वाइट कलर का कथकली मोटिफ बने हुए हैं इस पे। ये मैंने आपको कई बार दिखाया भी हुआ है दुपट्टा। उसके बाद मैंने इसको बेल्ट के साथ वेस्ट के अराउंड टाई कर लिया है। बेल्ट और मेरे शूज़ का कलर एकदम सेम है और थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने इस तरह से डिज़ाइनर पर्स लिया है। ये मेरी मैरिज के टाइम का पर्स है जो मैंने चांदनी चौक से लिया था, और थोड़े से हैवी ईयरिंग्स, क्योंकि मैंने सेसरीज कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ पर्स थोड़ा हैवी लिया है, तो हैवी ईयरिंग्स लिए हैं मैंने इसमें, जो बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं पूरे आउटफिट के साथ। इस तरह से आप अपने रेगुलर बोरिंग सी कुर्ती को बहुत ही स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो ये लुक बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो इसे टोन डाउन करने के लिए आप ईयरिंग्स हल्के पहन सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने अपनी मैंगो येलो कलर की कुर्ती, जो मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी, उसे मैंने पेयर किया है अपने वाइट चिकनकारी प्लाजो के साथ। अगर आपके पास चिकनकारी प्लाजो नहीं है तो आप कोई भी प्लेन प्लाजो ले सकते हैं, बट प्लाजो से ही इस लुक का पूरा गेटअप आता है। उसके बाद मैंने ये कलमकारी प्रिंट वाला दुपट्टा लिया है, ट्राइबल प्रिंट है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं इस तरह से, और मैंने नेक के अराउंड इसको मफलर स्टाइल में लिया है। बेल्ट मैंने लगाई है, बेल्ट ब्राउन कलर की है तो मैंने ब्राउन कलर के ही फ्लैट्स पहने हैं इसके साथ। थोड़ा ड्रेसी सा लुक है ये, बट बहुत ही क्लासी लगता है इस तरह से अगर हम दुपट्टा लेते हैं। गर्मी में हमें दुपट्टा संभालने में झंझट भी नहीं करना पड़ेगा और दुपट्टा इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी हैवी इयररिंग्स हैं, क्योंकि कोई एक्सेसरी नहीं है गले में या फिर हाथों में, इसलिए इयररिंग्स मैंने हैवी रखे हैं। एक स्मार्ट सी पोनी बनाई है और गर्मियों में ये लुक इतना अच्छा लगता है, बिलीव मी, मैं काफ़ी बार ये लुक लेती हूँ और एकदम सब हेड टर्न्स हो जाते हैं मेरी तरफ ही, काफ़ी स्टाइलिश लुक लगता है। लास्ट लुक में मैंने अपनी पॉप ऑफ कलर इस तरह की दो कलर की स्कर्ट है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी काफ़ी टाइम पहले और बहुत बार मैं इसको स्टाइल भी कर चुकी हूँ। इसे मैंने एक अपने ब्लाउज कम क्रॉप टॉप के साथ पहना है। अगर आप क्रॉप टॉप में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लॉन्ग टॉप या फिर कोई भी बढ़िया सा कलर का ब्लाउज पहन सकते हैं मम्मी का, और उसको मैंने डेनिम जैकेट के साथ स्टाइल किया है। थोड़ी सी इसके साथ बोहो टच देने के लिए मैंने थोड़ी सिल्वर ज्वेलरी पहनी है और हाई मैसी बन बनाया है, जिससे इस लुक में पूरा एकदम जान आ गई है। इस तरह के लुक भी बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में।
एक तो स्कर्ट में हवा आती जाती रहती है, आप कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं और बहुत स्टाइलिश भी लगता है। मैचिंग पर्स के साथ लुक कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।